एग्जाम्पल नंबर फाइव है ये हम देख लेते हैं और इसमें ये ये है 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 कि हमारे पास एक, steady current है एक वायर में, ये वायर में हमारा जो from left to right है फ्लो कर रहा है और हमसे ये कहा गया है कि इससे एस डिस्टेंस अब ये लॉन्ग वायर है इन लाइन है मतलब आप समझ लें कि माइनस इन से, से लेके प्लस इन तक एक वायर है और ये अब इसमें करंट से फ्लो हो रहा है और हमसे ये पूछा गया कि एस डिस्टेंस अब इस वायर से जो रहा है, में, इस में बताया जाए कि ये आपको ठीक तो फील्ड अप्लाई करने, करने के लिए वहां से मैगनेटी फील्ड करने के लिए हमें तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ना ये वाला डीएल प्राइम क्रॉस आर आ, हैट तो ये वेक्टर है हमारे पास ये मैंने लिया ये क्या किया है? मैंने डी एल प्राइमरे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उसमें डिवाइड किया यानी कि करंट की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है तो ये मेरे पास जो ग्रीन में आपको ये वेक्टर नजर आ रहा है स्मॉल ये मेरे पास डीएल प्राइम है और आर है इस सोर्स से इस पॉइंट से यहाँ तक का पी तक का जो वेक्टर है ठीक है कैलीग्राफिक आर तो आपके पास जो आर हैट होगा वो ये रहा आर हैट ठीक तो पहले तो मैं ये ये कंप्यूट करूँ ना उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बायट लॉ की तो वो आज हम देखेंगे ज्योमेटिकली किस तरह इसको लिया जाता है तो मेरे पास ये जो साइट है ये प्राइम है ये एंगल इसके साथ ये थीटा बन रहा है तो आप जैसे देखें यहाँ पे थीटा भी वेरी होगा या फिर आप कह लें अल्फा दोनों एक दूसरे के साथ समाओ बाउंड है कि अगर आप इस पैच की बात करें तो थीटा ये कम होगा इस पैच की बात करें तो थीटा जीरो हो जाएगा तो जैसे आप आगे जाते जाएंगे थीटा ज्यादा होता चला जाएगा तो अब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट एवेलुएट किया क्रॉस प्रोडक्ट क्या किया मैंने ये राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो आप जो अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन है ये देखिए डीएल आर है डीएल पहले वेक्टर है और आर आपके पास बाद में है, तो अपनी फिंगर स्ट्रेट करें अलोंग डी एल पाइंग और उसको कर्ल करें टूवर्ड कैलीग्राफी आर तो आपका थम बताया कि आउट ऑफ पेज ठीक है आउट ऑफ द पेज वो डायरेक्शन होगी तो तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है डी मैग्नीट्यूड आर की मैग्नीट्यूड आएगी और साइन अल्फा आएगा क्योंकि इन दोनों के में एंगल हमारे पास यही है तो आर की मैग्नीट्यूड तो 1 होगी तो इस वजह से आ गया dl dl प्राइम साइन अल्फा अब आ, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि इसको मैं थीटा की टर्म में लिखन, लिखना चाहूं अगर अल्फा को तो आप यह देखें कि ये जो ए, ये ट्रायंगल है ये का एंगल इसका थीटा है दूसरा ये 90 एंगल है एंगल हमारे पास यहाँ पे बीटा है तो इन सब का सम आएगा थीटा, थीटा प्लस पाई ओवर चीज तो आप यहाँ तो पे नोट कर रहे हो कि ये टोटल एंगल जो लाइन का है ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन का है वो पाए है ठीक हमारे पास एंगल है पाए तो अगर आपने बीटा को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा तो पाए माइनस एल्फा ये टोटल एंगल हमारे पास है पाए पाए में से एल्फा को माइनस करोगे तो आ जाएगा बीटा ये देखें पाए ये बीटा टू, पाए माइनस और ओवर टू, टू माइनस थीटा तो अल्फा को मैंने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा ठीक है पाए आप यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लें तो इक्वल टू पाए टू प्लस थीटा तो ये आप पुट करें इसमें ये यहाँ पे पुट करें अभी इसमें अल्फा की जगह पे तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया डीएल प्राइम साइन अल्फा तो ये डी एल प्राइम साइन अल्फा अल्फा की जगह पे मैंने ये एंगल पुट कर दिया वो है पाया टू प्लस सीटा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बन जाएगा कॉ सीटा डीएल प्राइम साइन एल्फा इजल प्राइम कॉ सीटा तो ये पहला एक रिजल्ट है जो हमें आगे हेल्प आउट करेगा जो बायसा में जो इंटीग्रल के अंदर एक्सप्रेशन है उसको वैल्यूएट करने में दूसरी चीज ट्राइंगल हमारे पास है ये ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल है ठीक है तो ट्राइंगल के मुताबिक जो टेन थीटा होगा वो ये परपेंडिकुलर ये साइड पर ये एंगल के परपेंडिकुलर है थीटा के परपेंडिकुलर और बेस बेस हमारे पास ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हमारे पास इसको रीअरेंज करोगे तो आ जाएगा एल प्राइम इज टू एस टेन थीटा तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लो ठीक टेन थीटा का तो बेसिकली है का 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 तो तो है बन जाएगा DL prime by D theta. और यहाँ पे theta का derivative आएगा जो कि होता है one over cos square, uh, uh, x, ठीक है ठीक cos स्क्वायर थीटा तो वन ओवर थीटा का डेरिवेटिव एस एज इट इज आ गया डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया तो डी एल प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है इन टर्म्स ऑफ डी थीटा तो दोबारा इस ट्राइंगल से दोबारा इस ट्राइंगल से देखें आप ठीक है इस ट्राइंगल को आप दोबारा देखें और ये एक साइड एस ये साइड है एस ये एल प्राइम ये है एस और ये है कैलीग्राफिक आर ठीक तो इसको यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं ये s इज इक्वल टू आर कॉस सीटा क्योंकि कॉस थीटा हमारे पास है ये ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है ये हमारे पास है बेस क्योंकि थीटा इसके साथ है ठीक है तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस कॉस सीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस यहाँ पे इस तरफ आगे ये मल्टीप्लाई हो गया तो मैंने अब यहाँ से कर लिया दोनों वो लिया पूरे एक्सप्रेशन का और उसको डिवाइड कर दिया R square, यह आप यहाँ पे R square, हो जाएगा दोनों ले लें तो ये मेरे पास वन बाय वन एलिमेंट आ गए और मैंने किसने पुट करने है बाई और, तो और, और फोर पाई इंटीग्रेशन है थ्रू आउट वायर की तो डी एल प्राइम क्रॉस आर हेड स्क्वायर तो इसमें अभी आप देख चुके हो कि इसका अगर आप वो करोगे डी एल की वैल्यू वैल्यूएट करोगे जो लास्ट में हमने की कर ली है अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट लो स्टडी करंट है आई बाहर चलाएगा प्रोडक्ट पर लोगे तो आपके पास डायरेक्ट डीएल प्राइम आ जाएगा और साथ आएगा आपके पास यहाँ पे एक चीज मिसिंग है और वो हमारे पास है यहाँ पे वो साइन एल्फा ठीक तो साइन एल्फा यहाँ पे मिसिंग था तो यहाँ पे आप वैल्यू इसकी साइन एल्फा की पुट कर दें तो वो डी एल साइन एल्फा हम देख चुके हैं वो इक्वल टू है डी एल कॉल उसके बाद डीएल का भी एक्सप्रेशन देख चुके हैं ये डी एल प्राइम है डी एल प्राइम ये देखें डीएल प्राइम की भी वैल्यू आ गई है एस और को स्क्वायर थीटा डी थीटा तो यहाँ पे देखिए एस और को स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया और डी एल ये डी एल की जगह पे है. और सैन अल्फा की जगह पे हमारे पास है यहाँ पे आप वो डी एल ये भी हम एक्सप्रेशन देख चुके हैं ये देखें डीएल प्राइम सैन अल्फा की जगह पे डीएल प्राइम को सीटा डीएल की वैल्यू ये आ गई एस स्क्वायर थीटा डी थीटा और साथ ही हमारे पास ये वैल्यू है वन ओवर आर स्क्वायर की की ये वैल्यू है, थीटा आर थीटा। है? तो आर की वैल्यू रही ये डी एल प्राइम डी एल प्राइम की वैल्यू रही ये और प्लस ये और साइन अल्फा हमारे पास कन्वर्ट हुआ था कॉस थीटा में ठीक

तो आपको ये देगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक स्ट्रेट वायर की जैसे कि एक मैंने आपके सामने यहाँ पे वायर रखी है यहाँ पे आपने याद रखना है ये साइन अल्फा है तो यहाँ पे मैंने जो आपके पास वायर रखी है वो ये ठीक है तो इनिशियल पे अगर सिर्फ आप इस सेगमेंट स्ट्रेट सेगमेंट की मैगनेटी फील्ड कैलकुलेट करना चाहें इस पॉइंट पे तो आपका इनिशियल एंगल ये है थीटा वन जो स्टार्टिंग ए, ए, वायर के स्टार्ट से है सेगमेंट के और फाइनल एंगल है जहां पे वायर का सेगमेंट आपका एंड हो रहा है तो ये आपको फार्मूला अगर आप इन थीटास की वैल्यू पुट करोगे तो इस पॉइंट पे आपको मैगनेटि फील्ड ले देगी और अगर आपके पास इन्फिनेट वायर है तो इन्फिनेट वायर देखें आपके पास यहाँ से एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट स्पेस तो जैसे कि मैं यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ, ये ये है आपके पास इन्फिनिट वायर तो ये जो एंगल होगा थीटा, इस पॉइंट से वो एक्सटेंड हो गए यहाँ तक ठीक है ये यहाँ तक चल, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता है। और ये जितना आप दूर जाते जाओगे देखें ये एंगल ये ऊपर जाता जाएगा तो ये एंगल कहाँ पे इन्फिनिट के लिए कहाँ पे चला जाएगा माइनस फाइव ओवर टू तक क्योंकि ये एंगल ये है बेसिकली ये एंगल है ठीक ये वाला और अगर आपके पास इस तरफ एनफिन को एक्सटेंड कर रहा है ये तो आप जितना यहां से देखें दूर जाते जाएंगे तो ये ये भी ऊपर आता जाएगा ऊपर आता जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास प्लस पाई टू। प्लस पाई टू। तो के लिए एंगल्स क्या है थीटा वन है पाएवर टू माइनस पाएवर टू और थीटा टू है पाएवर टू आप अगर इसमें वैल्यू पुट कर लें इसमें वैल्यू पुट करें आप ठीक है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगी ये वन प्लस वन हो जाएगा और टू आ जाएगा टू टू सी एस हो जाएगा तो इन्फिनिट वायर के लिए आपके पास है बी मैग्नेटिक फील्ड मे नॉट आई वो टू पायस तो ऐसे हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वायर तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इनफिनिट वायर की यहाँ पे कैलकुलेट कर ली जो आपने शायद एफ में भी देखी है और जो फ्रेश ये फ्रेशी मैनेट में भी देखी होगी तो जो हमारे पास राइट हैंड रूल ये बताता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो आप वो वायर को अपने राइट हैंड में ग्रैब करोगे और आपका जो थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी तो आप जब आपने फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो बताएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप अगर यहीं पर अप्लाई करें तो आपके पास ये देखें ये सर्कल्स बनाएगी जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ के आपके पास ये रहा करंट ठीक है और मैडी फील्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स तो ये ऐसे सर्कल्स होंगे ठीक है तो हर पॉइंट पे आपके पास मैडी फील्ड मिलेगी ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ठीक है लगे तो जैसे मुझे यहाँ पिक्चर मिल गई है मैं अगर आपको उसकी इसके फील्ड आपको कांस्टेंट मिलेगी यहाँ पे कि आपके पास हर पॉइंट पे जो सर्कल ड्रॉ करोगे ना आप आ, वो आपको सेम मिलेगा यहाँ पे थ्रू आउट लाइन में थ्रू आउट स्पेस में लेकिन अगर इसी जगह पे पॉइंट चार्ज होता ना तो पॉइंट चार्ज अगर आ, ये देखें ये ये पॉइंट चार्ज है लेट से अगेन मैं पॉइंट चार्ज की आपको बात कर करूँ और दिखाने के लिए कि इस पे वो स्टडी करंट की कंडीशन जब अप्लाई नहीं होगी देखें यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ होगा ना मैग्नेटिक फील्ड का वो कम होगा यहाँ पे यहाँ पे उनके चार्ज कम है डिप्लीट हुआ है यहाँ पे ज्यादा ठीक है यहाँ पे ज्यादा क्योंकि तो चार्ज यहाँ पे करीब है यहाँ पे उससे भी ज्यादा तो ऐसे ही देखे मैगटी फील्ड आपको कुछ नजर आएगी सर्कल जब ये स्पेस में से यू ट्रेवल्स करेगा चार्ज तो इस वजह से इसकी मैं, इसकी वजह से ये करंट स्टीडी नहीं होता तो ना इसकी मैरिटी फील्ड आपके पास स्टी नजर आएगी आपको कॉन्स्टेंट नजर आएगी अब अगर आप वो स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि वो रूफ से अब अगर आपने तुम वायर लटकाई हुई है और आप देखते थे कि दोनों तो में करंट एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक दूसरे को uh, uh, जो है ना वो अट्रैक्ट करती थी तो अब वो देखते हैं कि वो हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक तरह कार आ गया तो अब वो हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेट फाइंड फाइंड लेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू फील्ड एट टू टू ड्यू वन तो मैं ये इस पे ऊपर फोर्स फाइंड करना चाहता

वो आपकी कर्लिंग फिंगर होगी तो आपने अपना हैंड यहाँ तक लेके आना है आपने इसको कर्ल करना है तो फिंगर्स यहाँ तक लेके आनी है फिर आपको वो फिंगर की जो टिप होगी ना वो मैं फील्ड की डायरेक्शन से ही बताएगी ये नहीं होगा कि आप इसको राइट हैंड रूल तो अप्लाई किया हुआ आपने लेकिन आप जो है ना अपनी फिंगर की टिप्स यहाँ पे आके लेके रोक जाते हैं यहाँ तो ये यह बताया कि आउट ओफ, आउट ओफ पेज है। तो वो गलत हो जाएगा

फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये देखें आई की डायरेक्शन अप है बी की डायरेक्शन तो के मुताबिक वो, 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 आपके पास होगी वो इन वायर वन होगी तो अब स्टार्ट करें पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो इसकी वजह से तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट वायर वन एट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एट वायर और इन दोनों के दिमाग में डिस्टेंस क्या है वो डी है ठीक है तो मैंने वन इंडेक्स वन इंडेक्स दिया हुआ है अब अगर आप वही अप्लाई करें इसके लिए लॉरेंस uh, लॉ law, तो आप देखोगे कि ये हमारे पास था आई टू डी एल टू क्रॉस बी देखें मैग्नेटिक फील्ड वन की है जबकि करंट किसका है टू का है ठीक है तो आई टू क्रॉस बी वन और बी uh, की वैल्यू पुट कर दो तो इसमें ठीक है क्रॉस करके मैंने उसकी डायरेक्शन निकाल ली इस वजह से फोर्स की मैंने की बात कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि B1 की तो तो जाएगी डीएल पे फोर्स ये आपको वाजहे तौर पर नजर आ रही है कि ये इन्फिनिट है उसकी वजह ये है कि जो आपके पास ये करंट लाइन है पूरी डी एल जो है पूरी वायर हमारे पास वो इंफिनिटी टू इंफिनिटी है

तो इस तरह से जो हमने टॉपिक फाइव पॉइंट टू में जो एक फाइव पॉइंट जो में टॉपिक स्टार्ट किया था और देखा था कि दो जो है, कर फ्लो कर रहा है तो कैलकुलेट तो कर लिया अच्छा ये अब आपके पास आर्क है आर्क की वजह से आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे मैगनी कैलकुलेट करनी है और अगर आप इस पर राइट हैंड अप्लाई करें वही तो मैगनीफिल्ड डायरेक्शन तो आप यहाँ से आराम से निकाल लेंगे वो आउट ऑफ द पेज होगी लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करना वो अब देख लेते हैं तो ये मेरे पास था लेंथ एलिमेंट एलिमेंट करंट लेंथ ये डी एस मैंने ड्रॉ किया और लेंथ एलिमेंट से यहाँ जिस पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट से यहाँ पे पी है उस तक का डिस्टेंस मैंने रखा है कैलीग्राफिक आर और आर है, हैट मेरे पास है यूनिट वेक्टर तो अप्लाई करते हैं बाय बायोटॉ तो पहले आप देख लें कि स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से आप अच्छा वैसे ये रेसिपी एक अच्छी है अगर आपने किसी लाइन एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करनी है लाइन एलिमेंट पूरी एक्सटेंडेड वायर के लिए आपने कोई सर्फिस एक्सटेंडेड वायर आपने वायर पे बहुत ही खूबसूरत से अप्लाई होगा ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें एक पैच के लिए आप मैटी फील्ड लिखें आप पूरा फिर उसको इंटीग्रेट कर दें ठीक है तो मैंने किया कि ये इसको एक स्मॉल uh, पैच में डिवाइड किया वो डी एस है अब इस स्मॉल पैच में मैं उस सब को वैल्यूएट कर लूँगा कि जो uh, मेरे पास क्रॉस uh, प्रोडक्ट आ रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट था डीएस क्रॉस आर के दरम्यान में आप यहाँ पे देखें एग्जैक्टली exactly नाइंटी है तो आप यहाँ पे कोई भी पैच ड्रॉ करें यहाँ पे डीएस कोई भी लें यहाँ पे आप ये डी एस ले लें और यहाँ से आप यहाँ तक का आर uh, ड्रॉ करें यहाँ से आप देखो ये भी परपेंडिकुलर होगा कोई भी पैच ड्रॉ करें आपके पास एंगल आर वेक्टर के दरम्यान में और डीएस के दरम्यान में हमेशा आपको मिलेगा नाइनटी तो साइन नाइनटी यहाँ पे आ गया तो डी बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है mu not i mu not i or 4 pi ds over r square r हर पेज के लिए कांस्टेंट है क्योंकि वो इस r का रेडियस है अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें इंटीग्रेट कहाँ से करना है आपने मैंने ये पॉइंट रखा है जीरो और ये पॉइंट रखा है पाई ठीक है पूरा एंगल जो बना रहा है तो आप ये जो कांस्टेंट से वो बाहर आ जाएंगे mu not i और 4 pi r और अब इंटीग्रेट होगा 0 से लेकर पाई तक तो डी फाइव की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली exactly फाइव आएगा तो ये देखो कितना एलिगेंट का रिजल्ट आ गया है अब आप कोई भी एंगल की अगर आप आर्क यहाँ पे पुट करते हो ये उसकी वजह से उसके सेंटर पे पर फील्ड दे देगा जैसे कि पहला तो ऑबियस है कि अगर पूरा सर्कल है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे पूरी आर्क नहीं है अब उसकी जगह पे सर्कल है और सर्कल के सेंटर पे अगर आपने मैगटिव फील्ड फाइंड करनी है तो फाइव की जगह पे आपके पास आ जाएगा टू पाई उनके पूरा एंगल टू पाई बनाता है वो तो आपके पास सर्कल की वजह से उसके सेंटर पे मैटी फील्ड आ गई इसी तरह अगर आपके पास कोई भी आर्क है जो एंगल बना रही है, बना रही है, एंगल बना 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 रही 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 है 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 सेमी सर्कल ठीक है थीके? या थ्री क्वार्टर ऑफ सर्कल है तो आप यहाँ पे फाइव पुट करके उसकी वजह से सेंटर पे मैटी फील्ड आ जाएगी अब प्रॉब्लम नंबर नाइन है अगर आप ये ये रिजल्ट देख चुके हो या इसको समझ चुके हो तो आपको ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी ये प्रॉब्लम तो जैसे कि अब ये आपके पास प्रॉब्लम ठीक है, आपको, पे. तो ये हमारे पास है देखो यहाँ पे करंट कैसे रहा है ये देखे इस डायरेक्शन में है और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है दोनों एक दूसरे के एंटीपायल है पहली चीज यहाँ पे नोट करनी है तो इसकी वजह से अगर आप इसको हाथ में ग्रैप करोगे हैंड में लोगे इसको तो आप आपके देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड देखो कि किस डायरेक्शन में आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए करंट इस पॉइंट पे ना इस डायरेक्शन में तो इसको हैंड ग्रैब करो इस पॉइंट को इस एलिमेंट को इस वायर को यहाँ से यहाँ तक को तो आप देखोगे कि वो है आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड और जबकि इसकी वजह से अगर आप ड्रा करो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की लो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो अब आप इसको ग्रैप करोगे तो वो इन साइड आएगी इन साइड दिन टू देज इस एलिमेंट की जो रेडियस है वो बी है इसका रेडियस है ए जबकि इन एलिमेंट्स के लिए ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट इनके लिए होगी हमारे पास मेटीफी जीरो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें चाहिए इस लाइन एलिमेंट और आर लाइन एलिमेंट और आर के दरम्यान में आर मेरे पास ये है आर ये है और लाइन एलिमेंट दोनों तो पैरल है या एंटी पैरल है एक पॉइंट पे हमारे पास ये एंटी पैल है यहाँ पे हमारे पास पैल है तो क्रॉस प्रोडक्ट पैल और एंटी पैल दोनों केस में जीरो होगा तो इनके अगर आप चार हिस्सों में डिवाइड करो ये एक ये सेमी सर्कल ये आ जाएगा क्वार्टर सर्कल एक ये क्वार्टर सर्कल ये आपके पास जीरो और इस पॉइंट से भी जीरो आपके पास क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो है तो आप दो आपने जब राइट हैंड रूल अप्लाई किया आपने देखा कि किसकी वजह से आउट ऑफ पेज है और किस वजह से इनटू द पेज है तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो पॉजिटिव ले रहा हूँ वो आउट ऑफ द पेज ले रहा हूं, तो दून ओवर ए आ गया और ये इन टू देजेटिवली माइनस वन ओवर बी आ गया तो साथ ये म्यू ठीक है और फोर ये हमारे पास है एंगल uh, है हमारे पास ये म्यू नोट आए फाइव और फोर बाई आर तो फाई हाँ की आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे वो बनेगी फाई ओवर टू तो टू 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 मल्टीप्लाई बाई फोर बन जाएगा एट uh, अभी इतना ये देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन है सेमी सेमीफिनि ये जो पूरी वायर है और वायर यहाँ से आ रही है और यहाँ तक जा रही है ठीक है तो ये मेरे पास इस सेंटर पे पॉइंट पे मैंने मेटी फिट कैल करनी है। तो इसको हम तीन पैचेस में डिवाइड करेंगे पहला पैच तो ये है ना तो ये मैंने इसको डिवाइड किया पहला पैच ये है दूसरा पैच ये है तीसरा पैच ये है इस पे लेगा सर्कल वाला फार्मूला इस पे लेगा सेमी इन्फिनिट वाला ठीक है क्योंकि ये वायर के एज पे है तो अपना आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें और अपने फिंगर्स को यहाँ तक लेके जाएं यहाँ तक तो आप देखेंगे ये इनटू द पेज है और इसकी वजह से देखें ये भी इनटू द पेज है ठीक है ये भी इनटू द पेज इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी इनटू द पेज है और अगर करंट यहाँ से यूं इधर जा रहा है जो इस केस में है यहाँ से भी इंटू द पेज है तो तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटू द पेज है सारी ऐड हो जाएंगी तो ये हो गई दो सेमी इनफिनिट वायर म्यू नोट आए फोर पाए नोट फोर पाई आर इक्कीस वजह से इक्कीस की वजह से और ये मेरे पास है सर्कल की वजह से सर्कल बना है हमारे पास पाए ठीक है तो म्यू नोट पाए और फोर पाई आर ये देखिए यहाँ पे पाए आ जाएगा पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट ये है इन टू पेज